बदलते वक्त ने जहां स्त्री को हर क्षेत्र में मौके दिए हैं, वही लाइफस्टाइल के चेंज ने महिलाओं में कई तरह की गंभीर बीमारियों के खतरे भी बढ़ाए हैं। आजकल महिलाओं की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाओं को कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है जो साइलेंट किलर की तरह होती है। बीमारियां चुपके से शरीर पर कब हमला कर देती है, कब बढ़ जाती है और कब पनप जाती है पता ही नहीं चलता। शहरी और ग्रामीण महिलाओं की जीवन शैली में अंतर, खराब खान पान, एक्टिविटी लेवल ज्यादा ना होना, मोटापा, ज्यादा अल्कोहल लेना, ये सब कैंसर के रिस्क फैक्टर होते हैं। कुछ खतरनाक बीमारियों की तरह महिलाओं में होने वाली ब्रेस्ट कैंसर भी एक गंभीर बीमारी है। ब्रेस्ट कैंसर एक तरह का कैंसर है जो महिलाओं के स्तनों के अंदर विकसित होता है। ब्रेस्ट कैंसर के भी शरीर में कई लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें इग्नोर करना जानलेवा साबित हो सकता है। किसी भी बीमारी से बचे रहने का सबसे अच्छा तरीका शरीर में दिखने वाले लक्षणों को समय पर पहचानना और उन लक्षणों को डॉक्टर से अवगत करवाकर उनका सही समय पर इलाज लेना है। हेलो गाइस, हमारे खास प्रोग्राम वुमनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सिद्दीका सोनी। वुमनिया में हम महिलाओं के ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जिनको लेकर हम सीरियस नहीं होते, और वुमनिया में आज भी हम एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। हम आपको बताएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर होने के पीछे का कारण क्या है और इसके क्या उपाय होते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। स्तन शरीर का एक अहम हिस्सा है। स्तन का कार्य अपने टिश्यू से दूध बनाना होता है। ये टिश्यू सूक्ष्म वाहिनियों द्वारा निप्पल से जुड़े होते हैं। जब ब्रेस्ट कैंसर में वाहिनियों में छोटे सख्त कण जमने लगते हैं या स्तन के टिश्यू में छोटी गांठ बनती है, तब ये कैंसर बढ़ने लगता है। महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। इसका इलाज सही समय पर ना कराया जाए तो ये मौत का कारण भी हो सकता है। स्तन कैंसर एक या दोनों ब्रेस्ट में मैलिग्नेंट कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि है। ये बेहद घातक होता है। ब्रेस्ट में मौजूद कोशिकाएं जब अनियंत्रित रूप से विकसित होने लगती है तो ब्रेस्ट कैंसर होता है। अधिकांश स्तन कैंसर डक्ट्स की लाइनिंग सेल्स या फिर ब्रेस्ट के ग्लैडुलर टिश्यू के लॉब्यूल में विकसित होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के चार स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में यदि इसके लक्षणों को पकड़ लिया जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है, पर स्टेज 3 या स्टेज 4 में ये काफी रिस्की और घातक साबित होता है। ब्रेस्ट कैंसर की पहचान के लिए मेमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, बायोप्सी आदि का सहारा लिया जाता है। इलाज के लिए दवाई, ब्रेस्ट सर्जरी, एडवांस केस में कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोनल इंजेक्शन आदि मरीज को दिए जाते हैं। अब बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों के बारे में। शरीर में ब्रेस्ट कैंसर के ऐसे कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिनको महिलाएं अक्सर इग्नोर करने की गलती करती है। ब्रेस्ट में गांठे बनना। अगर ब्रेस्ट में आपको गांठे महसूस होने लगे तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये कैंसर हो सकता है। कई बार महिलाओं के स्तनों में बनने वाली गांठे नॉर्मल होती है, लेकिन गांठ होने पर डॉक्टर से जांच जरूर करानी चाहिए ताकि अगर कैंसर हो तो उसका सही समय पर इलाज शुरू हो सके। ब्रेस्ट की शेप और स्ट्रक्चर में बदलाव। अगर आप स्तनों में किसी तरह का बदलाव महसूस कर रहे हैं, जैसे शेप, साइज या स्ट्रक्चर आदि, तो इसे हल्के में ना ले, तुरंत प्रभाव से डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी ब्रेस्ट कैंसर का सिग्नल हो सकता है। निपल डिस्चार्ज। निपल से पानी निकलना या किसी तरह का तरल पदार्थ निकलना ब्रेस्ट कैंसर का संकेत हो सकता है। अगर आप निपल डिस्चार्ज जैसे लक्षण स्तनों में देख रहे हैं तो भी तुरंत प्रभाव से डॉक्टर के पास जाए और इसका इलाज लेना शुरू करें। ब्रेस्ट पर रेड स्पॉट या रैशेज होना। अगर ब्रेस्ट पर रैशेज या रेड स्पॉट दिखाई दे रहे हैं तो बिना किसी देर के डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक ब्रेस्ट कैंसर का संकेत होता है। आर्मपीट में गांठ। आर्मपीट में गांठ होना भी ब्रेस्ट कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। अगर आप आर्मपीट में गांठे महसूस कर रहे हैं तो चेकअप के लिए देरी ना करें, इसके लिए भी डॉक्टर से संपर्क करें और इलाज लेना शुरू कर दें। इन्वर्टेड निपल। अगर आपके निपल दूसरी दिशा की ओर मुड़ रहे हैं या मुड़ने लगे हैं तो भी इसे हल्के में ना लें, क्योंकि ये भी एक कारण ब्रेस्ट कैंसर का हो सकता है। लक्षण के बाद बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के स्टेजेस के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर शून्य से शुरू होकर आगे की स्टेज यानी श्रेणियों में बढ़ जाता है और हर स्टेज के साथ धीरे धीरे गंभीरता भी बढ़ने लगती है।
शून्य श्रेणी, दूध बनाने वाली कोशिकाओं में बना कैंसर सीमित रहता है और शरीर के दूसरे हिस्सों तक नहीं जाता है। इसके बाद पहली श्रेणी, कैंसर वाली कोशिकाएं धीरे धीरे बढ़ने लगती है और यही शरीर को बाकी हेल्दी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। ये स्तन में मौजूद वसा वाली कोशिकाओं तक भी फैल सकते हैं जो आगे जाकर शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। दूसरी श्रेणी, कैंसर इस श्रेणी में आकर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है और शरीर के बाकी भागों में भी फैल जाता है और पूरे शरीर पर पकड़ बना लेता है। तीसरी श्रेणी, इस श्रेणी में आगे तक कैंसर मानव की हड्डियों में पहुंचकर उन्हें प्रभावित करना शुरू कर देता है। इसी के साथ कॉलर बोन में इसका छोटा हिस्सा फैल चुका होता है जो इसके इलाज को दुर्गम बनाता है। चौथी श्रेणी, इस श्रेणी में आकर कैंसर लगभग लाइलाज हो जाता है क्योंकि चौथी श्रेणी में आते आते कैंसर लिवर, फेफड़ों, हड्डियों और मस्तिष्क में भी पहुंच चुका होता है। स्टेज के बाद बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर किन कारण की वजह से होता है। पीरियड्स में बदलाव, पीरियड्स में महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर मासिक धर्म या पीरियड्स में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे कि अगर 12 साल की उम्र से पहले ही मासिक धर्म शुरू हो जाए या 55 की उम्र के बाद मीनोपॉज हो या फिर पीरियड्स का समय 26 दिनों से कम या 29 दिनों से ज्यादा का हो जाए तो पीरियड्स के दौरान हो रहे इन बदलावों का महिलाओं को खास तौर से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आगे जाकर ये बदलाव कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर का कारण हो सकते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन, सिगरेट और शराब के सेवन का चलन आजकल महिलाओं में भी काफी आम है। नशीले पदार्थ का सेवन करने से भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि शराब, सिगरेट या ड्रग्स का सेवन करने से भी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसलिए महिलाओं को धूम्रपान और शराब का सेवन करने से बचना चाहिए। स्तन कैंसर के मामलों में परिवार में अधिक महिलाओं में स्तन कैंसर का इतिहास हो सकता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे कई तरह के जेनेटिक कारण हो सकते हैं। कारण के बाद बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। अगर इसके इलाज के बारे में बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर में आम तौर पर कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, एंडोक्राइन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी से इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि सर्जरी करने का मतलब ये नहीं कि सभी ब्रेस्ट कैंसर के मरीज का ब्रेस्ट निकाल दिया जाएगा। अगर महिलाएं शुरुआती स्टेज में इस पर ध्यान दें तो सही इलाज करके ब्रेस्ट बचाया भी जा सकता है। इलाज के बाद बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचाव किया जाए। हर महिला को हफ्ते में 4 दिन तक यानी 20 से 30 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। यह आपके शरीर की चर्बी को गलाने में मदद करेगा। अपना वजन हमेशा चेक करते रहे। ज्यादा मोटापा और वजन दोनों ही हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं, इसलिए अपने वजन को कंट्रोल में रखें क्योंकि वजन बढ़ना भी ब्रेस्ट कैंसर का एक कारण है। पौष्टिक आहार का सेवन करें। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए संतुलित आहार का सेवन करें। अपने आहार में फल, जूस और हरी सब्जियों के सेवन को बढ़ाएं। कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट में कम करें क्योंकि इससे मोटापा बढ़ता है, और डाइट ऐसी ले जिससे ना मोटापा बढ़े और ना ही बहुत ज्यादा शुगर हो। स्तनपान, स्तन कैंसर की रोकथाम में स्तनपान की अहम भूमिका होती है। आप जितने अधिक समय तक स्तनपान करेगी उतने अधिक समय पर आप इस खतरे को रोक पाएगी। जिन महिलाओं ने अपने बच्चों को स्तनपान करवाया है उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा उन महिलाओं की तुलना से करीब 5% कम होता है जिन्होंने अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करवाया है। ब्रेस्ट कैंसर भारत सहित दुनिया भर में महिलाओं में होने वाला सबसे आम प्रकार का कैंसर है। विश्व भर में हर साल लगभग 17 लाख नए ब्रेस्ट कैंसर के मामलों का समाधान होता है। वही भारत में हर साल आने वाले ब्रेस्ट कैंसर के मामलों की संख्या 2 लाख से भी ज्यादा है। इनमें से लगभग 1 लाख महिलाओं की इस कैंसर की वजह से मौत हो जाती है। ये सत्य है कि आज ब्रेस्ट कैंसर तेजी से बढ़ता एक शारीरिक रोग है, लेकिन इस रोग को टाला जा सकता है अगर सही सावधानी और परामर्श का पालन किया जाए। सबसे पहले महिलाओं को खुद लक्षणों की जांच करनी चाहिए और अगर कुछ अंतर दिख रहा है तो फौरन जांच करवानी चाहिए। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और महिलाओं से जुड़ी कोई भी समस्या हो जिसके बारे में आप हमसे बात करना चाहते हो वो समस्या भी हम तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल के लिए वुमनिया में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.